एड्रम क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहने वाले छात्र ने परिजन के साथ थाने पहुंचकर वार्डन के द्वारा मारपीट का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का। यहां केशव विद्यापीठ के हॉस्टल में रहने वाले छात्र ने वार्डन पर मारपीट का आरोप लगाया है। छात्र ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर बताया कि हॉस्टल में मोबाइल रखना मना है। उसने चोरी छुपे मोबाइल रखा हुआ था, जिसको लेकर वार्डन ने छात्र की पिटाई कर दी। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक आज फरियादी अपने बच्चे को लेकर उपस्थित हुए थे, जिन्होंने बताया था कि उनका बच्चा यहाँ हॉस्टल में रहता था केशव विद्यापीठ में, और वहाँ पर वहाँ के जो वार्डन है वो उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। बच्चे से भी पूछताछ की तो बच्चे ने बताया कि वो हॉस्टल में मोबाइल रखना अलाउ नहीं है, और उसने चोरी छुपके मोबाइल रखा हुआ था, जो कि रात में बात करते हुए हॉस्टल वार्डन ने पकड़ा था। उसके आधार बच्चे से मोबाइल उन्होंने लेकर और उसके बच्चे के साथ, बच्चे ने जो बताया कि मारपीट की है मोबाइल की बात को लेके। कौन से, ये कहां पर हुई थी, कौन लोग जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? ये बच्चा जो बता रहा है वो बता रहा है कि जो केशव विद्यापीठ स्कूल है उसका हॉस्टल है, हॉस्टल में जो वार्डन है उनके द्वारा घटना करना बता रहे हैं। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।